अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉब डेक्स और आज आपको बताऊंगा रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। असिस्टेंट 16 स्केल नंबर ऑफ पोस्ट 20, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम 2, अकाउंटेंट 1, हॉस्टल वार्डन 1, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 9, नेटवर्क असिस्टेंट 1, कंप्यूटर टेक्नीशियन 1, वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑपरेटर 1, लैब टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंसेस 1, लैब टेक्नीशियन फिजिक्स 1, नॉन लाइनर एडिटर 1, जनरल कंप्यूटर ऑपरेटर, जनरल ऑपरेटर 1, कुक 4, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो 6 हैं और पिंडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड 4, पेंटर 1, कारपेंटर 1, बस ड्राइवर 3, ड्राइवर 1, ग्राउंडमैन 4, हेड माली 1, माली 5, चौकीदार 6, बस कंडक्टर 1, हेल्पर 2, प्लम्बर हेल्पर 2, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर 2, जूनियर लैब अटेंडेंट 8, लैब अटेंडेंट 2, चाइल्ड अटेंडेंट फीमेल 2, नैपकासी 16, ब्लेडर 2, सैनिटरी वर्कर 1 और स्वीपर 6। ऑनलाइन अप्लाई करना आपने 21 से पहले और इनकी वेबसाइट इनके ऊपर। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपीज ऑनलाइन, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन विद अटेस्टिक टेस्टोमिनल डॉक्यूमेंटेशन एंड रेलवेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंशन। आपने जो भी है ना जो अटेस्टेड कॉपी भी भिजवानी होगी इनको तमाम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और स्क्रीन के साथ। एलिजिबल क्राइटेरिया इज़ रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज अवेलेबल ऑन दी और पंडी वुमन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। हाँ, जिन पर मैंशन है आप हम देख दिखा सकते, मैं आपको भी वो ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपका जो है ना एक्सपीरियंस के मुताबिक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रिक्वायर्ड है ये सामने है। ये मुझे कहाँ से मिली आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट इज़ रेडी टू, हाँ जो कैंडिडेट है उसने जो भी जो गवर्नमेंट है और सेमी गवर्नमेंट है उन्होंने एनएससी के मुताबिक अप्लाई करना है। और जो एज वर्सेशन आपकी क्लोजिंग डेट तक जो आपकी ना वो एक रूल के तहत बन रही हो। कोटा 3% और 5% और डिसेबल जो माइनॉरिटी कोटा होता है और डिसेबल कोटा होता है वो मैंशन है। और स्पेसिफिक उनको वो देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डिसेबल कोटा शैल बी टेम ऑनली डिसेबल डिसेबिलिटी कैरेक्टर प्रोवाइडेड। इसको डिसेबिलिटी कैरेक्टर होता है नादरा के थ्रू नहीं को मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नॉट बी डिटेन, आपको पता है कि इनकम्प्लीट होंगी तो डिटेन नहीं होगी। एप्लीकेशन इन हार्ड कम्प्लीट नॉन रिस्पेक्ट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। हार्ड कॉपी जो है वो 24 से पहले पहले पहुँचनी चाहिए, 24 लास्ट डेट है और 3 बजे शाम तक। नो एप्लीकेशन शैल बी रिसीव बाय हैंड, कोई भी एप्लीकेशन बाय हैंड रिसीव नहीं होगी, थ्रू कोरियर होगी। नेम मस्ट बी पोस्ट ऑन द रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ एनवेलप, हाथ के लिफाफे के ऊपर 2 के एड्रेस के ऊपर आपने मेंशन किया हो कि आप किस पोस्ट अप्लाई करें। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, टीएडी नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यूनिवर्सिटी को राइट है वो आपकी पोस्ट को कम और ज़्यादा कर सकते। हम यहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे दे और फ्रेंडली वुमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे जॉब पे। ये इनके क्राइटेरिया है, ये एडवर्टाइजमेंट है, देखिए आप ठीक है वो निशा है। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें फुल डिटेल के साथ मैंने आपको दिखाया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अब मैं अप्लाई करूँगा, अगर मेरे फ्रेंड्स का मुझे अप्लाई करना पड़ता तो मैं किस पे करता और आपने कैसे करना आपको सर बता देता हूँ। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में अप्लाई करता मैं, देखें क्राइटेरिया में ट्रेनिंग डिप्लोमा एम एस वर्ड 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश आई सी एस सेकेंडरी के साथ होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे आता अप्लाई करूँगा, जैसे ही अप्लाई फॉर्म में मैंने क्लिक किया था यहाँ पे मेरा नाम यहाँ फादर नेम आ जाएगा, इसको ना आपको फिल करके दिखाता हूँ। चल मैं ये यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और जब आप इस स्टेप को फिल करेंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी एक हार्ड कॉपी अपनी भिजवानी है, इसलिए मैं इसको फिल से नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने शो ना हो। बाकी अपना इसी तरह अप्लाई करना है
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।